हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। टोटल पोस्ट है 4860 और यहाँ पे डिप्लोमा और बीएड दोनों ही एलिजिबल हैं। हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि क्या सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं या सिर्फ महाराष्ट्र वाले ही एलिजिबल होंगे, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो जैसा कि आप सभी साथी काफी लंबे समय से सुन रहे होंगे कि महाराष्ट्र में 4860 पोस्ट सेंक्शन की गई है स्पेशल एजुकेशन टीचर की, और भर्ती का जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है उसका भी काफी लंबे समय से वेट किया जा रहा है। परंतु महाराष्ट्र सरकार ने एक पहल करते हुए, जो वहां पे पहले से ही स्पेशल एजुकेटर वर्किंग है तो उनका समायोजन किया है, और उनके समायोजन के बाद जितनी पोस्ट बचेंगी उनके ऊपर वो सीधी भर्ती निकालेंगे। राज्यामध्ये आता विशेष शिक्षक पदांची निर्मिती केली जाणार आहे। मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये विशेष शिक्षक भरतीचा निर्णय घेतला गेलेला आहे। विशेष शिक्षकांच्या 4860 पदांची भरती केली जाणार आहे। तो जैसा कि आप यहां पे देखोगे, यहां पे बताया गया कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट का फैसला है कि राज्य में विशेष शिक्षक के पद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य में विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने को मंजूरी मिली। वर्तमान में कार्यरत विशेष शिक्षकों को रिक्त शिक्षण पदों पर समायोजित किया जाएगा तथा शेष पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया क्रियान्वित की जाएगी। इसी तरह विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रत्येक केंद्र स्तर पर एक एक 4860 पद आरक्षित रहेंगे। समग्र शिक्षा, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के लिए कुल 2572 विशेष शिक्षक, दिव्यांग समावेशी शिक्षा योजना माध्यमिक स्तर के लिए 358 शिक्षकों और दिव्यांग एकीकृत शिक्षा योजना प्राथमिक स्तर के लिए 54 पदों पर समायोजन किया जाएगा। तो ये इन्होंने बताया, जो पहले से ही वर्किंग है अलग अलग लेवल पर, जो स्पेशल एजुकेटर वर्किंग है तो पहले उनका समायोजन किया जाएगा। और इसी को लेके महाराष्ट्र सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही एक ऑर्डर जारी किया। तो चलिए उस ऑर्डर को देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। जैसा कि आप यहां पे देखोगे, ये ऑर्डर जारी किया गया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। इसमें बताया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य में उपलब्ध शिक्षण पदों में से दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त विशेष शिक्षकों को स्थायी आवास तथा नए शिक्षक भर्ती के लिए 4860 पद आरक्षित किए गए। महाराष्ट्र शासन की तरफ से ये ऑर्डर आया हुआ है। इसको ये आया है 8 अक्टूबर 2024 को। तो यहां पे देखोगे आप, प्रस्तावना में इन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री की अध्यक्षता में 12/12/2023 एवं माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 19/6/2024 को आयोजित बैठक में प्रदेश में समग्र शिक्षा के अंतर्गत संविदा आधार पर कार्यरत विशेष शिक्षकों में से 218 विशेष दिव्यांग शिक्षकों को नियमित करने के निर्देश प्राप्त हुए। उसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं, रजनीश कुमार पांडे व सुप्रीम कोर्ट में जो रीट दायर की गई है 132/2016, उसका जो फैसला आया था 28/10/2021 एवं 12/3/2024 को दिए गए निर्देशानुसार राज्य के सामान्य विद्यालयों में प्रवेशित दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु विशेष शिक्षक उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री श्रीमान की अध्यक्षता में दिनांक 6/8/2024 को संपन्न बैठक में प्राप्त निर्देशों के अनुसार कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दिनांक 30/9/2024 को कैबिनेट बैठक में अनुमोदन प्राप्त हो गया। तदनुसार राज्य में उपलब्ध रिक्त शिक्षण पदों में से दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त विशेष शिक्षकों को स्थायी करने का मामला तथा वर्तमान में अनुबंध के आधार पर कार्यरत विशेष शिक्षकों में से एक को उपलब्ध रिक्त पद पर समायोजित करने का मामला, नए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय स्तर पर 4860 पद आरक्षित कर बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया लागू करने पर विचार चल रहा है।
तो जैसा कि आप सभी जानते हैं और बहुत सारे साथियों को ये कंफ्यूजन भी है कि महाराष्ट्र में कितने पदों पर स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आएगी, क्योंकि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 4860 पद सैंक्शन है, परंतु इनमें से यहाँ पे बताया गया कि जो पहले से काम कर रहे हैं वहां पे अनुबंध के आधार पर विशेष शिक्षक, पहले उनको समायोजित किया जाएगा, फिर उसके बाद जितनी भी जो पद रिक्त रह जाएंगे उनके ऊपर सीधी भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पे आगे इन्होंने बताया कि शासन निर्णय क्या क्या लिए गए। माननीय कैबिनेट दिनांक 30/9/2024 को लिए गए निर्णय के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में राज्य स्तर पर विशेष शिक्षकों के पद को नवीन रूप से शामिल किया जा रहा है तथा राज्य में वर्तमान में उपलब्ध रिक्त शिक्षण पदों में से विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हेतु 4860 पद आरक्षित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जो शिक्षा समावेशी शिक्षा योजना के अंतर्गत कुल पहले से स्वीकृत पद हैं 2693, उनमें से कार्यरत हैं अभी 2572। उसके अलावा जो शिक्षा निर्देशालय प्राथमिक है और समावेशी शिक्षा योजना माध्यमिक है वहां पे 358 जो कैंडिडेट हैं वो पात्र हैं। उसके अलावा शिक्षा निर्देशालय पुणे और एकीकृत शिक्षा योजना प्राथमिक के तहत 554, तो ऐसे कुल पद हैं 2984। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4860 पद सैंक्शन है, उसमें से 2984 पे पहले से ही कार्यरत हैं, और बचती हुई पोस्ट जो 1700-1800 के लगभग पोस्ट बचती हैं उनके ऊपर नई भर्ती आएगी। आगे इन्होंने कुछ यहाँ पे रूल्स बताए हैं कि किन रूल्स के अकॉर्डिंग ये स्पेशल एजुकेटर की भर्ती करेंगे। उक्त विशेष शिक्षकों का समायोजन आयुक्त के नियंत्रणाधीन शिक्षा निर्देशालय द्वारा निम्नलिखित मानदंड एवं प्रक्रिया के आधार पर किया जाना चाहिए। यहाँ पे बताए गए हैं कि इस पद के लिए विशेष शिक्षक को RCI द्वारा निर्धारित शैक्षिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम योग्यता पूरी करनी चाहिए और विशेष शिक्षक कक्षा 1 से 12 तक यानी सभी स्कूल स्तरों पर विकलांग छात्रों को पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए उनमें। इसके लिए ऐसे विशेष शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता या तो डिप्लोमा होना चाहिए या BEd या MEd, इनमें से कोई भी एक उनको अनिवार्य है करना। समायोजित किए जाने वाले विशेष शिक्षकों की शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए समकक्ष प्रशिक्षित शिक्षक, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक का वेतनमान लागू होगा। तो जो भी वहां पे PRT हुआ या TGT हुआ तो उनका ही जो वेतनमान है वो ही स्पेशल एजुकेटर पे भी लागू होगा। भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा दिए गए शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्त और पंजीकृत होना चाहिए। साथ ही भारतीय पुनर्वास परिषद प्रमाण पत्र को वैधता संबंधित मानदंडों को पूरा करना होगा। तो जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं RCI द्वारा वो सभी फुलफिल करने चाहिए। समायोजित होने वाले शिक्षकों को आरक्षण के आधार पर समायोजित किया जाएगा। यदि किसी विशेष वर्ग के अभ्यर्थी अंक सूची के अनुसार सरप्लस हैं तो उन्हें 0 अंक पर समायोजित किया जाए तथा संबंधित वर्ग के अंक रिक्त होने पर उन्हें उसी अंक पर समायोजित किया जाए। केंद्र स्तर पर विशेष शिक्षकों को बहुकौशल होना चाहिए, यानी इस शिक्षक को ब्रेल, सांकेतिक भाषा, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी, व्यवहार थेरेपी आदि का कौशल आना चाहिए। इसका मतलब है कि वह मल्टी स्किल स्पेशल टीचर होना चाहिए। क्योंकि स्कूलों में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग छात्र होते हैं इसलिए उन्हें पढ़ाने वाला शिक्षक विशेष होता है। यदि एक शिक्षक को एक विशिष्ट प्रकार की विकलांगता में प्रशिक्षित किया जाता है तो वह सभी विकलांग छात्रों को समान अवसर प्रदान करने में सक्षम नहीं होता। इसके लिए केंद्रीय स्तर पर प्रत्येक विशेष शिक्षक के लिए RCI द्वारा अनुशंसित मल्टी कैटेगरी डिसेबिलिटी का सेवाकालीन प्रशिक्षण या कोर्स पूरा करना अनिवार्य होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यदि केंद्र के अधीन अंगीभूत विद्यालय में कोई दिव्यांग छात्र नहीं है तो समायोजित विशेष शिक्षक सामान्य शिक्षक के साथ साथ अन्य विषय भी पढ़ाने के लिए बाध्य होंगे ताकि उनकी सेवा पूरी तरह से ली जा सके। तो यहाँ पे विशेष शिक्षक को जनरल टीचर का भी काम करना पड़ेगा। विशेष शिक्षकों की सेवा नियमावली एवं नियम और शर्तों के संबंध में प्रारूप शिक्षा निर्देशक द्वारा तैयार कर सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
राज्य स्तर पर विशेष शिक्षक के लिए नवीन सम्मिलित पद हेतु प्रवेश नियम, भर्ती प्रक्रिया एवं संबंधित विषयों को सुनिश्चित करते हुए विभागीय स्तर पर पृथक से उचित आदेश विनियम जारी किए जाएंगे। समायोजित किए जाने वाले विशेष शिक्षकों को जिस जिले, तालुका, नगर पालिका में वे कार्यरत हैं उसके अनुसार या विशेष शिक्षकों के संबंधित जिला परिषद, समूह या नगर निगम में काउंसलिंग के माध्यम से समायोजित किया जाना चाहिए। चूंकि उक्त विशेष शिक्षकों की नियुक्ति केंद्र स्तर पर की जाती है, इसलिए उनका नियंत्रण संबंधित केंद्र प्रमुख के अधीन होना चाहिए। इसके अलावा यदि समायोजन के लिए अतिरिक्त प्रक्रियाओं को शामिल करने की आवश्यकता है तो आयुक्त आवश्यकतानुसार समायोजन प्रक्रियाओं के संबंध में आदेश जारी कर सकते हैं। उक्त आदेश शासन के निर्णय की तिथि से लागू होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये 8 तारीख को आया तो 8 तारीख से ही ये लागू हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट दी है और उसका संदर्भ संख्या दी है और साथ में डिजिटल साइन दिए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी रूल्स बनाए हैं इन्होंने समायोजन करने के लिए, उन सबका यहाँ पे इन्होंने व्याख्या की है और टोटल 2984 पद हैं जिनको ये समायोजित करेंगे 4860 में से। उसके अलावा 1800 के लगभग पद बचते हैं, 1900 के कुल मिला के अगर चले तो 2000 के लगभग पद आपको सीधी भर्ती के द्वारा देखने को मिलेंगे। इसलिए और जो ये भर्ती आने वाली है तो इसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिसंबर तक ये भर्ती आ जाएगी जो सीधी भर्ती होगी। तो इसलिए जो भी साथी हैं महाराष्ट्र में एज ए स्पेशल एजुकेशन टीचर काम करना चाहते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो वो तैयारी कर दें, क्योंकि बहुत जल्द आपको सीधी भर्ती का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और बहुत सारे साथियों में ये कन्फ्यूजन है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे या नहीं, तो जहां तक मेरा अनुमान है तो वहां पे ऑल इंडिया लेवल पे कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहां पे कि महाराष्ट्र के ही कैंडिडेट होने चाहिए। आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, किसी भी कोने से हैं, तो आप महाराष्ट्र में एज ए स्पेशल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं। दूसरा जो कन्फ्यूजन है वो टेट को लेके है कि सी टेट मान्य होगा या महाराष्ट्र टेट मान्य होता है, तो वहां पे दोनों ही एलिजिबल होते हैं। अगर आप सी टेट क्वालिफाई हैं या आप महा टेट क्वालिफाई हैं तो दोनों में से आपने कोई भी एक अगर क्वालिफाई किया है तो आप एज ए स्पेशल एजुकेशन टीचर बनने के वहां पे योग्य हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।